रिसेंटली एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर श्री सुशांत सिंह राजपूत, जो कि सिर्फ 34 इयर्स के थे, उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, उन्होंने सुसाइड कर ली। सवाल ये उठता है कि एक फिल्म एक्टर, एक बॉलीवुड के जाने माने एक्टर जिनके पास सभी कुछ है, पैसा, गाड़ी, फेम, बहुत सारी पॉपुलैरिटी भी है, तो फिर इनको ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, तब हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन का पर्दाफाश हुआ और वो है डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों को ये सुनकर हैरानी होती है कि डिप्रेशन बीमारी कैसे हो सकती है, ये तो आपके मन पर होता है या ये आपका एक चॉइस होता है कि आप डिप्रेस हो या ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि डिप्रेशन एक बीमारी है। जिस तरह से अगर आपको डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, किडनी फेलियर होता है, क्या आप इसमें कुछ चॉइस कर सकते हो? इसी तरह से डिप्रेशन जो है, ये डिप्रेशन भी एक तरह का क्लिनिकल कंडीशन है, डिप्रेशन भी एक तरह की मानसिक बीमारी है। कई लोगों को डिप्रेशन और उदासी, डिप्रेशन और सैडनेस, इसमें फर्क नहीं पता चलता। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी मेरे चैनल पे आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब रहिए। बात करते हैं डिप्रेशन की। जैसे सभी बीमारियों को इलाज करने के लिए दवाई की जरूरत होती है, उसी तरह से डिप्रेशन को ठीक करने के लिए भी दवाई की जरूरत होती है। डिप्रेशन का मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसका वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, ऐसे सक्सेसफुल और सेलिब्रिटीज में डिप्रेशन क्यों देखा जाता है, ऐसे लोग जिनके पास दुनिया की सभी तरह की खुशियां है, फिर भी वो इतने उदास और फिर भी वो इतने नाखुश क्यों है। दो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटीज ने खुलकर अपने डिप्रेशन के बारे में बात की थी। एक है कपिल शर्मा, जिन्होंने ओपनली एक्नॉलेज किया था कि यस, उनको डिप्रेशन की तकलीफ है और उसके लिए वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। और दूसरी हमारी सबसे चहेती एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने भी खुलकर मीडिया में डिस्कस किया है कि किस तरह से डिप्रेशन से वो स्ट्रगल कर रही थी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन के सबसे मुख्य कारण क्या है। डिप्रेशन के दो मेजर रीजंस है, एक है मेडिकल रीजंस और दूसरा है साइकोलॉजिकल रीजंस। सबसे पहला मेडिकल कॉज जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक तरह का ऐसा कंडीशन है जिसमें एक महिला जब बच्चे को जन्म दे देती है, तो हार्मोन्स उसके बॉडी में अचानक से बदलाव आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन में चली जाती है। दूसरा एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें डिप्रेशन देखा जाता है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड का हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। कुछ लेडीज जिनमें पीसीओडी है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, इसमें भी बहुत सारे हार्मोनल इंबैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन होता है। अगला मेडिकल कॉज जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, वो है शुगर फ्लक्चुएशन। ये बहुत ही कॉमनली सेलिब्रिटीज में देखा जाता है। सेलिब्रिटीज के ऊपर एक इमेज मेंटेन करने का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो इसके लिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्रैश डाइटिंग करते हैं या फैट डाइट्स करते हैं। शुगर फ्लक्चुएशन की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अगला अगला
अगला मेडिकल रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है वो है ब्लड प्रेशर की दवाई और डायबिटीज की दवाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी करेंटली ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज की दवाई पिछले 10-15 साल से ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों में मेडिसिन की वजह से एज अ साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिसिन उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो सकता है। अगला मेडिकल रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है वो है ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल अब्यूज। जब आप किसी तरह का नशा करते हो या फिर आप शराब भी लेते हो तो जब इसके विड्रॉल सिम्टम्स आपको हिट करते हैं तो उस वक्त आपको डिप्रेशन हो सकता है। अगला मेडिकल रीजन जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है वो है एंडोक्राइन कॉजेस। ऐसे सर्टेन मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम या फिर एड्रीनल ग्लैंड के ट्यूमर में, ऐसे केसेस में बॉडी में बहुत सिवियर और अचानक से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से सडन मूड चेंजेस आ जाते हैं, सडन मूड स्विंग्स आते हैं और डिप्रेशन भी हो जाता है। अगला मेडिकल रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है वो है कॉर्टिसोल ट्यूमर्स। आजकल के जमाने में, आजकल के मॉडर्न एज में बहुत सारी जैसे नई मेडिकल डिस्कवरीज हो रही है, इस तरह के नए नए एंडोक्राइन ट्यूमर्स भी सामने आ रहे हैं जैसे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। अब ये जो इस तरह के ट्यूमर्स जो होते हैं हार्मोन रिलीजिंग ऑर्गन्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं और वहां पे एबनॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और इस एबनॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है। अगला मेडिकल कॉज जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी और विटामिन D3 डेफिशिएंसी। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब हम विटामिन B12 के इंजेक्शंस या फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स देते हैं तो वो पेशेंट की कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है। सेम ऐसा ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी देखा जाता है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल कॉज जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है और खास करके ऐसे कोरोना वायरस COVID-19 के चलते वो है सेल्फ आइसोलेशन या आइसोलेशन। जैसे कि आप सभी जानते हो एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है और वो किसी भी तरह का सोशल कांटेक्ट के बिना नहीं रह सकता। मॉडर्न सोसाइटी को अगर हम देखते हैं तो हम सभी लोग हमारे एक अलग सी दुनिया में बिजी रहते हैं। कई बार इतनी भी फुर्सत नहीं होती कि हमारे पड़ोसी के साथ हम जाकर बातचीत करें। सेकेंड कॉज जिससे डिप्रेशन हो सकता है वो है किसी का नेचर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो खुलकर किसी के साथ बातचीत करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं तो वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है वो है टाइप ए पर्सनालिटी यानी कि परफेक्शनिस्ट। स्पेशली सुशांत सिंह भी इस तरह के एक पर्सनालिटी थे। उनको सभी चीजें एकदम सही तरीके से पूरी तरह से उनके मन के मुताबिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी चीज उनके मन के विरुद्ध हो जाती है तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ज्यादातर फेलियर्स को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते। अगला रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है वो है पीयर प्रेशर या फिर फैमिली प्रेशर। जो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और खास करके अगर एक स्टूडेंट होता है जो जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसके ऊपर फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि एग्जाम्स में सबसे अच्छे मार्क्स आए, एग्जाम्स में नंबर 1 मार्क्स आए, ऐसा करियर या कोई भी ऐसा फील्ड सिलेक्ट करे जैसे कि इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने। अगर कोई कहता है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है तो फैमिली को पसंद नहीं आता। अगला रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है और वो है चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा इंसिडेंट है जो बहुत सारे घरों में होता है लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करने में शर्माते हैं। तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
अगला रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है और वो है बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर इलनेसेस। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्किजोफ्रेनिक है और स्किजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनको डिप्रेशन हो सकता है। आखिरी रीजन जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है वो है जेनेटिक या फिर फैमिली हिस्ट्री। कुछ ऐसे साइकेट्रिक इलनेसेस है जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया के 70% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, आजकल के मॉडर्न एज में स्पेशली 21st सेंचुरी में डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया है हमारे मॉडर्न एज में कि हमको इतने सारे डिप्रेशन के केसेस मिल रहे हैं? सबसे पहला रीजन तो ये है कि टू मच ऑफ सोशल मीडिया। हम लोग हमारा बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स को किसी को कोई नई गाड़ी मिल गई। जब हम ये देखते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं, कई बार जेलसी भी होती है कि अगर इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। इसकी वजह से भी हमारे मन में डिप्रेसिव थॉट्स आने लगते हैं। अगला रीजन है 24 आवर्स न्यूज चैनल। अगर किसी का नेचर बहुत ही सेंसिटिव टाइप का नेचर होता है और जब वो डरावनी और खतरनाक न्यूज देखते हैं तब उनके मन पर बहुत ही भारी परिणाम होता है और वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगला रीजन जिसकी वजह से आजकल के मॉडर्न जमाने में डिप्रेशन देखा जाता है वो है टू मच मोटिवेशन। अब आप कहोगे कि मोटिवेशन चैनल से तो हमको मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो डिप्रेशन कैसे मिलता है? तो फ्रेंड्स, जब आप बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस, बहुत ज्यादा मोटिवेशन देखते हो तो एक आपके ऊपर या आपके माइंड पे एक तरह का प्रेशर बन जाता है, एक ऐसा प्रेशर कि आपको किसी भी हालत में सक्सीड होना है। ऐसे केसेस में अगर थोड़े से भी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं या थोड़े से भी फेलियर्स आ जाते हैं तो उसको आप हैंडल नहीं कर पाते। और एक रीजन ये भी है कि हमारे सामने कॉन्स्टेंटली स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टेंटली हमारे सामने एक नंबर्स दिखाए जाते हैं, आज ये नंबर 2 पे आ गया, कल ये नंबर 5 पे था, अब ये नंबर 10 पे आ गया। इसी तरह से रैंक्स भी दिए जाते हैं, तो ये अगर कोई कॉन्स्टेंटली इस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है तो ये देख कर ही वो डिप्रेस हो जाता है। ये सब चीजों की वजह से आजकल के जमाने में हमारे में एक टॉलरेंस लेवल जो है वो बहुत ही कम हो गया है। हम किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल, हम किसी भी तरह के फेलियर्स को टॉलरेट नहीं कर सकते। आजकल के जमाने में हमको फेलियर से इसलिए इतना डर लगता है क्योंकि हमको ये टेंशन होता है, हमको ये स्ट्रेस होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जैसे संदीप महेश्वरी जी ने कहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम लोग सभी लोग यही मेंटालिटी को फॉलो करते हैं और इसीलिए हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। आज के मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप सबके मन में एक तरह का टॉलरेंस और एक तरह का अवेयरनेस आ जाए। अगर आप में से कोई भी या फिर आपके फ्रेंड्स अगर कोई डिप्रेशन के शिकार है, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उस फ्रेंड को प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर आपको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जैसे सलमान खान ने कहा है, सल्लू भाई ने कहा है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। फ्रेंड्स, ये लाइफ बहुत छोटी सी है, इसको सीरियसली लीजिए लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, लाइफ बहुत ही प्रेशियस है। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।